नमस्कार साथियों, हम यहाँ पर भोपाल आए हुए हैं और अपनी मांग को रखने के लिए जब इकट्ठे हुए यहाँ पर, तो प्रशासन की एक तरह से निष्ठुरता और बहुत ही बुरी स्थिति यहाँ पर देखने को मिली है और मांग को रखने तक का अवसर यहाँ पर नहीं दिया गया है। एक तरह से लग रहा है कि शासन या सरकार पूरी तरह से यहाँ पर पंगु हो गई है, जो किसी भी तरह से व्यक्तियों को या छात्रों के हित में अपनी बात को रखने तक नहीं दे रही है। आप देख सकते हैं कि कितने स्टूडेंट्स हैं और हम पूरी तरह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए यहाँ पर पहुँचे थे। ये कुछ स्टूडेंट्स और आए हमारे साथ, यहाँ पर सभी हैं, लेकिन सरकार ये गूंगी और बहरी हो गई है, जो किसी भी तरह से अपनी मांग को रखने तक का अवसर नहीं दे रही है और यहाँ तक लाठी चार्ज किया जा रहा है पुलिस प्रशासन के द्वारा, जो कि बहुत ही गलत है। और इनको चौहान सर अरेस्ट, तो लाठी बरसाइए, आप थोड़ा सा कुछ कहना चाहेंगे? जो कुछ भी हुआ हम स्टूडेंट के साथ में बहुत गलत हुआ, इस तरीके से व्यवहार करना बहुत गलत है। इसके बाद भी हम लड़कियों पर भी कुछ अत्याचार किया गया इनके द्वारा, कुछ ऐसा लाठी बरसाई जा रहा है, तो तीन साल देख सकते हैं कि पुलिस फोर्स हो गया, MPSI हो गया, MP कांस्टेबल हो गया, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो गया, शिक्षक भर्ती हो गई, किसी भी प्रशासन या किसी भी विभाग में किसी भी प्रकार की वैकेंसी नहीं निकाली जा रही है, जो कि बहुत गलत किया जा रहा है। इस अन्याय और अनैतिकता के खिलाफ किसी को आवाज तो उठानी पड़ेगी, हम सबको एक होना पड़ेगा। हर जगह हमने ज्ञापन देने की जो मुहिम यह छेड़ी जाएगी और हम इसके लिए किसी भी हद तक आगे जाने को तैयार रहेंगे। तो दोस्तों, इस समय हम खड़े हैं यहाँ पर न्यू मार्केट रोशनपुरा चौराहे के पास में ही। रोशनपुरा चौराहे से यहाँ पे सबको हटा दिया गया है, ये स्थिति देख सकते हैं आप, और ये सभी स्टूडेंट्स है जो कि तितर बितर करने का पूरा प्रयास किया गया है, लेकिन ये तितर बितर कर सकते हैं लेकिन एकजुट होने से हमें रोक नहीं पाएंगे। तो दोस्तों हम हाँ जैसे कि सर के द्वारा तो सारी भर्ती सारी वापस से पुलिस प्रशासन आ गए हैं।